ओम परमात्मने नमः। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। तो भूमिरापो अनलो वायु हो खम मनो बुद्ध रही वचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तादधा अपरे अमिते स्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में परम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। क्षर सर्वाणी भूतानी भूमिरापो अनलो वायो प्रकृति रष्टधा। इस श्लोक में उसी को आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है, और फिर महाभूता ने अहंकार पंच चेंद्रिय गोचरा। इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। तो भूमिरापो अनलो वायो विद्धि में पराम, परमात्मा सबके कारण है, वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। तो अपरा प्रकृति निकृष्ट जड़ और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ चेतन और परिवर्तन रहित है। तो प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसको जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तव्य और भोक्तृत्व नहीं रहता। यहां अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए, तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म परमात्मा पंच तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को लिया है, जो 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो मन का कारण है। बुद्धि शब्द से मैं तत्व समृष्टि बुद्धि और अहंकार प्रकृति से ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है। क्यों? कि इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहां एक बात ध्यान देने की है
कि भगवान ने यहां अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की सृष्टि दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं। क्यों? कि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति ही है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहां जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहां यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इस पांच तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंच तन्मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार दो प्रकार का होता है, अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम ही अहंकार है जो करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति जिसका वर्णन यहां चौथे श्लोक में हुआ है। और अहम रूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है। योग कर्ता रूप से अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है, यह हुई परा प्रकृति जिसका वर्णन यहां पांचवें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। तो जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुसुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहां हूं कैसे हूं यह मन की जागृति हुई। मैं इस देश में इस समय में हूं ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। येदम धार्यते जगता। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वदा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। जोग पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने की आसक्ति और कामना के रूप में था, वो प्रेम अनंत अगाध असीम आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्त प्राप्तव्य हो जाती है। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वदा विमुख होने से कृत कृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। तो प्रकृति रष्टधा अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहां जो आठ प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई हैं वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है।
व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने आठ प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप प्रगा प्रकृति से ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है, यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, परंतु प्रकृति में स्थित रहने के वाले मन और पांचों इंद्रियों को खींचता है अर्थात उनको अपनी मानता है। तो मन सष्टा नींद्रियाणि प्रकृति स्थाने करसति, इसी तरह भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं समष्टि के नहीं। इन सबसे यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहां व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वदा अभिन्न है, फिर कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता में पन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। यहां इतियम में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है, इसके साथ मूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेदारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोग इच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं, इनमें से भोग इच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यकतया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं, अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वदा सार्थक हो जाता है। जीव भूताम, वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्येक जीव बना हुआ है, यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए, यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो, अतः तुम इसको समझो। विद्धि, येदम धार्यते जगत, वास्तव में यह जगत जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही रूप है। वास्तुदेव सर्वम, केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपभोग करने लग गया है, इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी परमात्मा ने इस दृश्यमान जगत को जो अपरा प्रकृति है धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है, जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है आकर्षण है उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह,
तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। एक सुखाशक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखाशक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मात्र रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग मानने वाला भोग आसक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगाशक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर से होती है, जो स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी से कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा, न यह मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत रूप से दिख ही नहीं सकता। एकदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्यों कि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया, परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है और इच्छा द्वेषादि विकार व्यस्ति के माने गए हैं, क्यों कि इच्छा आदि विकार व्यस्ति प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता, शरीर को अथवा मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपने और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग तीनों से ही मिटती है। कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग से अहंकारम विमुच्य निर्ममा, और भक्ति योग से निर्ममो निरंकार। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वो माना हुआ संबंध मिट जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोले जय श्री कृष्णा।